कांग्रेस के जो नेता अलका लामा ने कहा कि 700 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ये हो रहा है कि उनके बयान से जो पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 700 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया की जो इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तय किया जाएगा? एक तो मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि आपका दोनों का स्वागत है कि अगर आपको मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़िए। और अभी दिल्ली की जनता, देश की जनता तैयार बैठी है, वो आप सबको जानना चाहती है कि आप और कितना नीचे तक गिर सकते हैं, क्या आपकी सीमाएं हैं। तो पूरा देश तैयार बैठा है कि 2024 में भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा वोटों से वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनका डर है। और हम जितना अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं अभी शायद पूरा देश भी जानने लग गया है। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। और ये हमें दिखाई भी देने लगा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है किसी को, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं और ये इनकी फितरत है। तो ये सारा जो इंडिया नाम इन्होंने रखा .in.d.i.a, एक तो भारत के नाम को इन्होंने पहले तोड़ा और फिर उसके बाद में ये जो इन्होंने नाम रखा, ये अपना नाम जो इनका नाम था UPA, अब वो UPA के नाम पर 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब इन्होंने अपनी दुकान का नाम बदल के उसको INDIA कर दिया ताकि लोग इनको पहचान ना सकें। मगर लोग इनको अच्छे से पहचानते हैं, इनके चेहरों को पहचानते हैं। और मैं चाहता हूं कि सारे मिलकर ही चुनाव लड़ें तो एक बार देख लें कि तुम्हारे में भी कितना दम है। लेकिन जिस तरीके से जो है अब बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है अब तक जानकारी से निकल के सामने आई है, अभी तक बात ये और यही थी कि हर राज्य में BJP को एक उम्मीदवार दिया जाएगा BJP के खिलाफ, लेकिन दिल्ली में ही सबसे पहले जो है बात दिल्ली की होने लगी है। और यहाँ पर इस तरीके के बयान सामने जो कि जो गठबंधन में जो चर्चाएं हो रही हैं ये तो उसके खिलाफ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। और हमने देखा कि जब हमारे दिल्ली में कोविड चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी शराब पॉलिसी लेकर आ रहे थे। तो दिल्ली के लोग अच्छे से उनको जानते हैं। और ये कांग्रेस और ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सबको जब भी कोई मौका मिलेगा तो ये चील की तरह, गिद्ध की तरह जो है आम आदमी का शिकार करने में पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारे देश को लूटने में पीछे नहीं हटेंगे और ये हमेशा हुआ है। तो ये सब चाहते हैं कि सबको अपना अपना केवल स्वार्थ दिखाई दे रहा है, कोई भी देश का स्वार्थ नहीं देख रहा, केवल अपना अपना स्वार्थ की चिंता करके देश जाए भाड़ में, हमारे देश की तरक्की जाए भाड़ में, हमारे सैनिकों का मनोबल जाए भाड़ में, हमारी अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, केवल अपना स्वार्थ इनको दिखाई देता है। तो ऐसा गठबंधन कितने दिन चल सकता है? लेकिन जिस तरीके से जो बयान सामने आया, अब ये बात हो रही है कि अलका लामा के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम भी जो 700 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, ये क्या दिखा रहा है फिर? अगर जो है 700 सीटों पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस में तैयारी हो रही थी तो कोई कार्रवाई, ये जो है इनका आंतरिक मामला है, ये खुद ही आपस में लड़ मड़ के भर जाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि चाहे दोनों मिलकर लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, अभी तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अलका लामा जी कुछ कहती है, अनिल चौधरी जी कुछ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कुछ कहते हैं, तो अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लड़ाई शुरू हो गई है, आगे आगे होता है क्या ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो चुनाव लड़ने को लेकर के जानकारियां सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और प्रवेश वर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल आया था उस दौरान भी इस तरीके के जो है बातों का जिक्र किया था, शब्दों का जिक्र किया था कि बिल गिरने के बाद में अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि वही सच होता फिलहाल नजर आ रहा है।